हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट ऐसा भी होता है में, पावर्ड बाय मार्केटिंग हुक। दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पर आज मैं उस इंसान की कहानी सुना रहा हूँ जहाँ एक पापा ने बहुत बड़ा काम किया है। आप शायद इस कहानी के बारे में जानते होंगे, शायद नहीं भी। आपको एक हिंट देना चाहूंगा, इस ब्रांड के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो पर एक लड़की है जिसे आपने काफी बार देखा है। उम्मीद करता हूं आज आप एक अनजानी कहानी एक जाने माने ब्रांड के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांड की बात। बात है 1969 यानी कि 1969 की, जब एक 24 साल का किसान का लड़का गुजरात के जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगा। ग्रेजुएशन में बीएससी केमिस्ट्री करी थी तो केमिकल्स का ज्ञान तो बहुत ही ज्यादा था, पर एक चीज उन्हें हमेशा खटकती रही, भारत में डिटर्जेंट काफी महंगे दामों में बिकता था क्योंकि ये डिटर्जेंट विदेशी कंपनियां सप्लाई करती थी। उन्होंने ये देखा तो डिटर्जेंट बनाने के लिए अपने 10x12 फुट के एक छोटे से कमरे में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुसीबतें तो बहुत आई, लेकिन मजरूप सुल्तानपुरी साहब ने बहुत खूब फरमाया है और किशोरदा ने बखूबी गाया भी है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ये जनाब भी नहीं रुके और काफी मुशक्कत के बाद एक दिन उन्होंने अपना डिटर्जेंट बना ही लिया। अब तक आप शायद इनके बारे में जान ही गए होंगे, और अगर नहीं भी जाने हैं तो आइए मैं आपका परिचय इनसे करवाता हूं। ये इंसान और कोई नहीं पर हमारी देश की काफी जानी मानी हस्ती मिस्टर करसन भाई पटेल है। तो करसन भाई ने अपना डिटर्जेंट बनाने के बाद अपने पड़ोस के घरों में उसे बांटना शुरू किया। कई बार तो 17 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता था। करसन भाई ने भी ठान ही लिया था कि मेहनत करते ही जाना है। उन्होंने अपने डिटर्जेंट को मात्र 3 रुपए में बेचना शुरू किया, जो कि विदेशी कंपनियों के मुकाबले 1/3 यानी कि 1/3 प्राइस पर था। अच्छी क्वालिटी और सस्ता दाम होने की वजह से ये डिटर्जेंट काफी चला और करसन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर इस पे काम करना शुरू किया। अब तक तो शायद ब्रांड का नाम भी जान गए होंगे, नहीं? सर्च इंजन पर सर्च तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आइए मैं आपको बताता हूं इस ब्रांड के बारे में। यह ब्रांड निर्मा है। जी हां, यह वही निर्मा है जो हेमा, रेखा, जया और सुषमा और न जाने कितनी लोगों की पसंद है, और लोग इस गाने को 1970 के दशक से गाते भी आए हैं। पर निर्मा ही क्यों? दरअसल बात यूं है कि करसन भाई ने अपनी बेटी निरुपमा की याद में इसका नाम रखा था। निरुपमा का देहांत एक कार एक्सीडेंट में महज 11 साल की उम्र में हो गया था। ये ब्रांड करसन भाई को हमेशा अपनी बेटी के करीब रखे, इसलिए इस ब्रांड का नाम निर्मा रखा गया और उस पर उन्होंने अपनी बेटी की एक छवि भी बना दी। आपको निर्मा के कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। निर्मा का शेयर डिटर्जेंट इंडस्ट्री में 35% है। आज निर्मा में 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं और इस कंपनी का टर्नओवर 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। निर्मा ने सन 2000 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ को पीछे छोड़कर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट का खिताब जीता था। तो ये थी एक पिता की कहानी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुनिया में अमर कर दिया। अगले हफ्ते आपके सामने पेश करूंगा एक और ब्रांड की बात। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी के साथ हमारे अगले एपिसोड में। अगर आप अपने चहीते ब्रांड की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए मेरे या मार्केटिंग हुक के इंस्टाग्राम पेज पर। तब तक के लिए मैं अनिरुद्ध मड़िया आपकी इजाज़त चाहूँगा। अलविदा, बाय बाय।